दमोह की ईदगाह मस्जिद में आज सुबह 8:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने पढ़ाए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में दमोह शहर के मुस्लिम समाज के लोग फुटेरा तालाब स्थित ईदगाह मस्जिद पहुँचे और ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज के बाद सामूहिक दुआ की गई, जिसमें देश और दुनिया के साथ शहर दमोह के लिए अमन चैन की दुआ इमाम साहब ने की। इसके अलावा ईदगाह कमेटी के शहर अध्यक्ष आजम खान ने समस्त जिले वासियों को और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। बड़ी खुशी के साथ सारे लोगों ने नमाज अदा की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मैं इमाम जामा मस्जिद अपने शहर दमोह के तमाम भाइयों को, वो किसी कौम मिल्लत का हो, हर मजाहिब के मानने वालों को, हर इंसानी भाइयों को इस खुशी के अय्याम में ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे शहर को तमाम शर फसाद से बचाए और अमन व अमान कायम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस ईद के मौके पर? देश और दुनिया में ईद उल फित्र का त्यौहार सबसे बड़ा अफजल त्यौहार है और आज दमोह में भी ईदगाह मस्जिद में सामूहिक तौर पर नमाज अदा की गई और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई है। हम तमाम दमोह वासियों को, देशवासियों को ईद के इस मुबारक मौके पर सबको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद। आज यहां दुआ की गई कि हमारे देश और दुनिया में अमन चैन कायम रहे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।